शिवरात्रि पर गलती से भी ना चढ़ाए ये चीजें, नहीं तो भोलेनाथ हो जाते हैं नाराज। पूजा पाठ में हल्दी, कुमकुम और रोली का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में इन सब चीजों का इस्तेमाल अशुभ होता है। इन सब चीजों का संबंध सौंदर्य प्रसादन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये सब चीजें स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग पुरुष तत्व है और भोले बाबा हमेशा से वैरागी रहे हैं। यही वजह है कि भगवान शिव की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल गलती से भी ना करें। भोलेनाथ को कभी भी तुलसी ना चढ़ाए। तुलसी बहुत ही पवित्र मानी जाती है, लेकिन शंकर भगवान की पूजा में कभी इसका इस्तेमाल ना करें। इसके पीछे की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने खुद ही भगवान शिव को पूजा से वंचित कर दिया था। भगवान शिव की पूजा में गन्ने का रस, दूध, शहद, दही आदि चीजें अर्पित की जाती है, लेकिन उन्हें कभी भी नारियल या नारियल का पानी अर्पित नहीं किया जाता है। नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और उनका संबंध जो है भगवान विष्णु से है, इसलिए शिव जी को यह ना चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार महादेव को कनेर और कमल के फूल ही अर्पित करें, उन्हें लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े का फूल अर्पित ना करें। शिवलिंग पर इन फूलों को चढ़ाने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता। एक पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शंखचूड़ ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था, तब भगवान शिव ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और अत्याचारों से सबको मुक्ति दिलाई थी। इससे उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। चूंकि भगवान शिव ने दैत्य शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में शंख या शंख में जल भरकर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता था। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।